हाँ सही कहा, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हीर सिंह जी, आप तो हमसे पहले राजकुमारी जी को जगाने आ गए। अरे ये भला सोए ही कहाँ होंगे, रात भर निगरानी जो कर रहे थे, है ना सेना नायक जी? सुप्रभात। सुप्रभात। आंखें खोली राजकुमारी जी, सुबह का सूरज आपकी दीदार के लिए निकलने ही वाला है। इस तरह बैठकर कभी शांति से बात ही नहीं की, वरना यक्ष महल में तो बात बात में आप तुनक जाया करती थी। अच्छा तुम तुनक में जा सकते, वीर सिंह जी अब आप जाकर विश्राम कर लीजिए, अभी से राजकुमारी जी की सुरक्षा का जिम्मा हम दोनों उठा लेंगे। जैसा राजकुमारी चाहे। चाबी, चाबी कहाँ गई? ये तो रखी थी हमने। राजकुमारी जी आपको ठीक से याद है ना, आपने चाबी यही रखी थी? हाँ हमें याद है, हमने चाबी यही रखी थी। राजकुमारी जी यहाँ नहीं है। अगर इन्हें चाबी नहीं मिली तो पहला शक मुझ पर ही होगा। चपला जी, हो सकता है वो चाबी बिस्तर के नीचे गिर गई हो, तो आप एक बार नीचे देखिए ना। चंपा जी आप ही। नहीं है राजकुमारी जी, हमें याद है हमने चाबी यही रखी थी इस तकिए के नीचे। हाँ चंपा जी एक काम कीजिए, आप इस तरफ देखिए शायद इधर होगी। ये रही राजकुमारी जी चाबी। शुक्र है, हम तो घबरा ही गए थे। राजकुमारी जी चलिए, आपके स्नान का समय हो गया। तभी हाथ आई, हाथ नहीं लगी। अगर मुझे चाबी हासिल करनी है तो मुझे अपने और चंद्रकांता के दरमियान जो भी फासले हैं उन्हें मिटाना होगा। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, लगता है आप लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।
बस तलवार चलाना थोड़ा सीखना पड़ेगा। देखिए ये भी एक कला है, जैसे आप लोगों की होती है साज सज्जा वैसी। सबसे पहले तो आपको तलवार सीधी पकड़नी है, ऐसे। ऐसे तलवार चलाने का अंदाज हमने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से सीखा आपने? आप सीखना चाहती हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। विजयगढ़ की सेना का मार्गदर्शन तो तुम दोनों ही करने वाली हो ना? जो काम है वो तो ठीक से होता नहीं, यहाँ अलग अलग तरीके से तलवार पकड़नी सीखी जा रही है। बड़ी अय्यारा बनती हो ना, ये तो पता कर नहीं पाई कि हमारे कमरे में वो नकाबपोश कौन आया था? क्या हुआ? जाओ। वैसे नाराज में भी राज होता है, और राज को राजी रहने देते हैं। अब अगर आप मुझसे तलवार चलाने की कला सीखना चाहती हैं तो मैं सिखा सकता हूँ, कहिए तो सही। हमारा भी तरीका आजमा के देखो, साज ना बजने लग जाए तो कहना। जैसा आप कहें। सुन तो बहुत अच्छी थी। सुर और भी लग सकते हैं। तो फिर तान छेड़िए। तान सुरीली लगी या तीखी? अब तो मैं पूरी सरगम सुनने के बाद ही फैसला ले सकता हूँ। तो तुम्हारी ये फरमाइश भी आज पूरी कर देते। बैठिए, आपके पाँव में मोच आई है, आप बस अपने पाँव को थोड़ा ढीला छोड़िए। हमारी चाबी कहीं गिर गई है। आप घबराइए नहीं, वो चाबी अभी भाग दौड़ में वहां गिर गई होगी, मैं लेकर आता हूं। आप आराम कीजिए। मेरा मकसद अब बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा।
पिताजी को तिलिस्म की चाबी दे, मैं अपने पुत्र धर्म का पालन करूंगा। इतने घबराए हुए क्यों? जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। चोरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं घबराया नहीं हूं। लाओ, देख क्या रहे हो? दो क्या? अरे चाबी दो ना। चाबी? वो चाबी तो लेने आया था मैं यहाँ। दरअसल बात ये हुई कि ये चाबी यहाँ गिरकर गंदी हो गई थी, मिट्टी लगने की वजह से। मैं सोचा साफ करके आपको दे दूं। आखिरकार ये चाबी आपकी कमर का आभूषण है, और फिर ऐसा दुस्साहस आपकी खूबसूरती के साथ मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सीना नायक, शस्त्र विद्या के साथ साथ और भी कई विद्याओं में माहिर लगते हैं। अब चले। राजकुमारी आप चलिए, मैं बस अभी आता हूँ। कपड़े भीग गए हैं, बदल के आता हूँ। छुपे विजयगढ़ में प्रवेश करे ना, हम उस चंद्रकांता को ललकार के उसे पराजित करके लंके की चोट पर दाखिल होंगे विजयगढ़ में। अरे कमबख्तो, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? जल्दी करो, उस चंद्रकांता को दासी बनाकर लाना है अपनी। छोटे मुंह बड़ी बात युवराज, बस 7 मील का सफर बाकी है, अभी पलक झपकते ही कट जाएगा। विजयगढ़ वालों को तो यकीन नहीं होगा कि हम इतना जल्दी उनके धावा बोलने वाले हैं। भाग जल्दी नाजिम, ये खबर हमें अपने आका क्रूर सिंह को सबसे पहले देनी होगी कि शिवदत्त ने नवगढ़ का तख्ता पलट दिया है और खुद राजा बन गया है। इससे अच्छा तो तू गदाई बना रहता। अरे हमें सबसे पहले चल के राजकुमारी को यह सूचित करना होगा कि शिवदत्त अपनी सेना के साथ विजयगढ़ की ओर कूच कर चुका है। अरे हाँ, मैं भी ना एकदम गधा ही हूँ। हाँ तो फिर उड़े। हाँ चल। टुकड़ा कहाँ गया जिसपे मैंने चाबी के निशान लिए थे? यहीं कहीं होना चाहिए। क्या ढूंढ रहे हो वीरू? बद्री, तुम? ये इसके पास है। बद्री, तुम यहाँ क्या कर रहा? अच्छा है कि तुम आ गए, मैं भी तो भागा था तुम्हारी गिरफ्त से, तो तुम भी भाग सकते थे, तुम तो यार हो। अब इससे पहले कि तुम कोई हरकत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पता कर लिया है कि तिलिस्म की चाबी यहाँ एक तहखाने में बंद है।
उस तहखाने के ताले की चाबी मेरे हाथ लगी थी, मैंने उसकी छाप इस मिट्टी के पत्थर पर ली है। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसे फौरन एक लोहार के पास ले जाना होगा और वहां जाकर तुम्हें एक हूबहू दूसरी चाबी बनवानी है। हम तिलिस्म की कुंजी यहां से चुरा कर फौरन निकल जाएंगे। बताइए क्या हो गया, आप क्या सोच रहे हो? अरे यहाँ खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ। पर राजकुमारी को जो तुमने वचन दिया है उसका क्या? तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम मुझ पे छोड़, तुमसे जितना खाए उतना करो, सबसे जरूरी है वो कुंजी हमारे हाथ लगना। और सुनो, संभाल कर जाना, क्योंकि ये क्रूर सिंह जो है ना हमारे पीछे पड़ा है हाथ धोखा। जैसी चाबी मिले उसे लेकर मेरे कक्ष में आ जाना। चलो जाओ। सुराग तो हाथ लग गया है वीरू, अब तुम बहुत जल्द क्रूर सिंह की गिरफ्त में होगे। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए, होश में आओ। होश में तुम आओ वीरेंद्र, सबको धोखा दिया तुमने, अपने दोस्तों को, जुनागढ़ को, महाराज को, जीने का कोई हक नहीं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम बद्री, अभी जब बाहर बागान में मुन्ना बनकर मिले थे बिल्कुल ठीक थे, क्या पागलपन सवार हो गया तुम पर? पागलों जैसी बातें तुम कर रहे हो वीरेंद्र। क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें मुन्ना बनकर बाहर मिला था? बकवास है ये। तुम मुझे अगर बाहर नहीं मिले तो वो चाबी की छाप किसको दी है? मतलब है तुम्हारा बद्री, वो तिलिस्म की चाबी यहाँ एक तहखाने में रखी है, वो चाबी मेरे हाथ लगी थी, मैंने उसकी छाप दी। लगा कि और तुम हो मुन्ना के भेस में। ऐसा नहीं हो सकता वीरेंद्र, मैंने मुन्ना को अपनी हयारी के जाल में कहीं दूर कैद करके रखा है, वो यहाँ नहीं आ सकता। वो ना हो ये किसी आयार का काम है। आयार नाज़िम अहमद तो नौगढ़ में है, और जहां तक मैं जानता हूं क्रूर सिंह के पास कोई और आयार है नहीं। तो अब ये नया कौन है? ऐसे बेधड़क अंदर कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं है ये राजकुमारी का कक्ष है? राजकुमारी जी, आपका शक सही निकला, वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि वीरू ही है। जिसने पहले वो कुंजी हासिल करने के लिए आपके गले पे छुरी रखी, और अभी आपकी कमर से वो चाबी निकालने के लिए ये सब स्वांग रचा। ये देखिए, मिट्टी के टुकड़े पर चाबी का चिन्ह अंकित कर रखा है, ताकि वो दूसरी चाबी बनाकर तहखाने से कुंजी की चोरी कर सके।
हमारी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे हाथों में है, तो हमें क्या हो सकता है? तो उसने हमारे साथ फरेब किया, हमने क्या सोचा था और वो क्या निकला? वो कोई लकड़हारा नहीं, कोई योद्धा नहीं, वो एक चोर है। मैं चोर नहीं हूं। चंपा, चपला, जाओ तुम लोग। मैं चोर नहीं हूं। सच कहा तुम, सिर्फ चोर नहीं, एक फरेबी भी हो तुम, एक अजनबी, एक लकड़हारा बनकर एक राजकुमारी को यक्ष महल में मिलता है और उसका मन मोह लेता है, फिर उसका पीछा करते करते विजयगढ़ तक आता है, अपनी बहादुरी के जौहर दिखाकर पहले सेना नायक और फिर उसका अंगरक्षक बन जाता है। इतना सब कुछ करने वाले सिर्फ चोर कैसे कह सकते हैं? उसे तो जालसाज, चालबाज, धोखेबाज से खिताब मिलना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी सफाई में और कुछ नहीं सुनना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। हमने सोचा था कि तुम विजयगढ़ की रक्षा के लिए आए हो, हमारे लिए आए हो, पर तुम तो एक मामूली चोर निकले जो पता नहीं कौन सी चाबी चुराने आया था। भगवान जाने ये भी सच है या और झूठ छिपे इस चेहरे के पीछे। बस बस बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी आपने कहा ना राजकुमारी, तो अपनी मर्यादा भूल जाऊंगा मैं। वैसे अभी तक कौन सी मर्यादा का पालन करते आए हो तुम? कर्तव्य निभा रहा था मैं अपना, चोर की तरह चाबी चुराकर अपनी चीज को हासिल करना चोरी नहीं होती राजकुमारी, चोरी वो होती है जो आपने की है। हमारी कुंजी को अपना समझकर यक्ष महल से आप यहाँ विजयगढ़ लेकर आए। अपने तेवर संभाल के रखो वीर सिंह, अगर हमारे तेवर बदल गए ना तो मौसम बदल जाएगा। हमने कोई चोरी नहीं की, नौकर था, एक सैनिक दे गया था हमें वो कुंजी, वो इमारत, जो जो भी है वो चीज, और आपने उसे अपना समझ कर रख लिया। ये सोचा होगा कि युवराज तिब्बत ने आपको प्रेम का उपहार भेजा है, है ना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कोई हमें प्रेम उपहार भेजे या शादी का शगुन? तुम तो चोरी करने आए थे ना, करो चोरी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। चोर अपने ईमान का सौदा करते, अपनी जान का नहीं। मैंने अपनी जान हथेली पर रख कर आपको, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, गजब हो गया। नाजिम और अहमद खबर लेकर आए हैं कि शिवदत्त अपनी सेना के साथ विजयगढ़ की सीमा तक पहुंच चुका है। लगता है कोई घुड़सवार विजयगढ़ की दिशा से हमारी छावनी की तरफ आ रहा है। ये तो वही लकड़हारा है जो यक्ष महल में था। ये विजयगढ़ कैसे पहुंचा?
तुम चोर हो और हम एक राजकुमारी, लेकिन वक्त की नजाकत हमसे ये कह रही है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अभी कुछ देर पहले तक हम समझते थे कि सिर्फ हमें तुम्हारी जरूरत है, पर अब हम जानते हैं कि तुम्हें भी हमारी जरूरत है। हम शिद्दत से मुक्ति चाहते हैं और तुम वो कुंजी पाकर हमसे मुक्ति चाहते हो, तो क्यों ना एक सौदा किया जाए। तुम शिद्दत को पराजित करने में हमारी मदद करो और हम खुद तुम्हें वो कुंजी सौंप देंगे। बोलो, यही ख्वाब लेकर आए थे? यही तो करना चाहते थे, और हम क्या समझ बैठे? आपने उस धोखेबाज पर दोबारा इतना भरोसा कैसे कर लिया राजकुमारी जी, जिसने आज तक अपनी पहचान, अपना मकसद सब कुछ छुपाए रखा? उसके हाथों में आपने विजयगढ़ की सुरक्षा और अपने मान सम्मान का जिम्मा कैसे सौंप दिया? तुम नहीं समझोगी चंपा, कुछ फैसलों पर दिमाग का जोर नहीं चलता। ऐसा नहीं है चंपला, दिल ने जिस पर भरोसा कर लिया उस पर शक करने का कोई कारण ही नहीं होता। लेकिन हमारे पास ऐसा करने का एक ठोस कारण है। हमें लगता है वीर सिंह के लिए वो कुंजी हासिल करना निहायत जरूरी है। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और फिर हमारे सामने विजयगढ़ को बचाने का और रास्ता भी क्या था। इसलिए हमने वीर सिंह के साथ एक सौदा किया, और जब तक वो सौदा अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम दोनों वीर सिंह की असलियत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे। जैसे आपकी आज्ञा राजकुमारी जी, लेकिन न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि जिसको आप सौदा समझ बैठी है वो वीर सिंह के लिए सौदे से भी बढ़कर है। वो चाहे या किसी भी मकसद से क्यों ना आया हो, तो जब बात आपके मान सम्मान की आती है वो उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दिल ने भरोसा किया और दिमाग ने सौदा। जीत चाहे जिसकी भी हो, पर हार हर हाल में शत्रु की ही होनी चाहिए। के कह दो अपने युवराज से कि मैं कोई युद्ध करने नहीं, शांति वार्ता करने के लिए आया हूं। शांति वार्ता? तालाब बराबरी वालों से होती है लकड़हारे, उनसे नहीं जिनकी औकात तक ना हो हमारे सामने खड़े होने की। औकात और किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है शिवदत्त। मैं आज किसी लकड़हारे की हैसियत से नहीं, बल्कि विजयगढ़ के सेना नायक की हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूं। बड़ी तरक्की कर ली है तूने, पर जिस राजकुमारी की जूतियां चाट चाट कर तू सेना नायक बना है ना, अगर उसी राजकुमारी को यहाँ लाकर हमारे हवाले कर देता तो बातचीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती लकड़हारे।
मुझे लगा था कि गुरूर के अलावा भी तुम में कुछ होगा शिवदत्त। गुरूर में अंधी तुम्हारी आंखें शायद ये नहीं देख पा रही कि विजयगढ़ की सेना संख्या में भले ही तुम्हारी इस सेना से कम हो, पर हौसले और जज्बे में तुम्हारी सेना से वो कहीं आगे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी सेना किसी के मान को कलंकित करने के लिए लड़ रही है और विजयगढ़ की सेना अपनी राजकुमारी के मान को बचाने के लिए तत्पर है। तुम्हारी सेना सिर्फ तुम्हारी जिद की बलि चढ़ेगी, जबकि विजयगढ़ की सेना अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, फिर चाहे बलि जिद की हो या किसी के स्वाभिमान की। पर जान तो इसमें निर्दोष सेना की ही जाएगी ना। चुप! बकवास बंद कर अपनी और यहां आने का मकसद बता। सीधी सी बात है युवराज सिद्धार्थ, तुम ये युद्ध जीतकर सिर्फ राजकुमारी चंद्रकांता को पाना चाहते हो। राजकुमारी चंद्रकांता को, और मैं उस राजकुमारी को तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए वचनबद्ध हूं। अब एक राजकुमारी के लिए इतने प्राणों की आहुति देना जरूरी है क्या? तो क्यों ना ये मुकाबला, ये फैसला हम दोनों के बीच हो, तुम्हारे और मेरे। अगर तुम जीते तो जैसा तुम चाहते हो राजकुमारी चंद्रकांता तुम्हारी, पर अगर मैं जीता तो तुम अपना यह कारवां समेट कर विजयगढ़ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मंजूर है? तो तुम हमें यहां ललकारने आए हो? अरे भूत, यहाँ आ तो गया है पर यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। कफन में लपेट कर तेरी लाश को विजयगढ़ भेजेंगे हम। देख क्या रहे हो, मारो इसे। तुम्हारी छावनी में तुम्हारी सेना के बीच यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ शिवदत्त, फिर भी मुझे मारने के लिए तुम्हें इनकी सहायता की जरूरत पड़ी। चलो जैसा तुम चाहो, पर उससे पहले हम ये तो आजमा लें कि तुम्हारी इस छावनी में ऐसा कौन सा शूरवीर है, कौन सा ऐसा योद्धा है जो मेरे हाथ को झुका सकता है। अगर इनमें से किसी ने भी मेरे हाथ को झुका दिया तो वचन देता हूं शिवदत्त, मेरी गर्दन होगी और तुम्हारी तलवार।
दुश्मनों के बलबूते पर युद्ध लड़ने आए हो तुम शिवदत्त। कल रणभूमि में भी इनकी यही हालत होगी और ये वहां कल पड़े पड़े लड़ से कराते हुए यही सोचेंगे कि इनका महाराज शिवदत्त इतना कायर है कि एक मेरा नायक की ललकार को भी नहीं स्वीकार पाया। धिक्कार है। खामोश। तेरी हर एक चुनौती स्वीकार है हमें। वैसे भी तुझ जैसे मामूली लकड़हारे से शिवदत्त डरता नहीं है। ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा कल सूर्य की पहली किरण पर रणभूमि में हमारा मुकाबला होगा। हमारी सेनाएं आमने सामने होंगी, पर लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। तैयारी करके आना। आओ खुदाबख्श, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम तो जानते हो कि शिवदत्त ने मेरी जादुई अंगूठी ले ली है और उस अंगूठी के बिना मेरी अय्यारी शक्तियां काम नहीं करती। बस एक बार मुझे मेरी जादुई अंगूठी वापस मिल जाए, फिर मुझे कोई इस कैद में नहीं रख सकता, ना ही मेरे महाराज और मेरी महारानी को। खुदाबख्श, मुझे अपनी जादुई अंगूठी वापस चाहिए और ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इस लड़ाई में ना कोई नियम होगा और ना ही कोई उसूल होगा। मृत्यु ही विजेता का अंतिम निर्णय करेगी। जो बच गया वो जीत गया और जो मर गया वो पराजित। हमारे नौगढ़ में एक रिवायत है, हम अपने दुश्मनों की लाशों को भी कफन के साथ मरघट तक भेजते हैं। ये कफन हमारी तरफ से अपनी अंतिम विदाई का उपहार समझ कर रख लो। सोच बहुत अच्छी है तुम्हारी शिवदत्त, और अच्छा किया कि ये कफन तुमने मुझे दे दिया। हमारे यहाँ भी एक रिवायत है कि मरने वाले का कफन उसके पिता की तरफ से आता है, तो इसे तुम्हारी अमानत समझकर तुम्हारे लिए रख लूंगा। वचन देता हूं, अमानत में खयानत नहीं होने दूंगा।